लेबनान में हुए पेजर डिवाइसेस और वॉकी टॉकी धमाके से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। हिजबुल्ला ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसराइल इतने शातिर तरीके से एक ही बार में समूचे लेबनान में धमाके करा देगा, और इसी वजह से अब इसराइल और हिजबुल्ला के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। क्योंकि 17 सितंबर 2024 को पेजर्स धमाकों में 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 18 सितंबर को वॉकी टॉकी डिवाइसेस में हुए धमाकों से करीब 20 लोगों की मौत हो गई और 450 लोग घायल हुए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे कांड में अब ईरान की एंट्री हो चुकी है। ईरान ने अब खुले तौर पर कह दिया है कि वो अपने राजदूत मुज्तबा अमानी पर हुए हमले का बदला जरूर लेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने एक चिट्ठी के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इसराइल को जवाब देने के लिए जरूरी समझे जाने वाले कदम उठाने का अधिकार है। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2024 को लेबनान में पेजर डिवाइस में धमाके हुए थे और ईरानी राजदूत के पेजर डिवाइस में भी धमाका हुआ था, जिसमें वो घायल हो गए थे। ईरानी राजदूत की इस हमले में एक आंख चली गई है। इसके अलावा उनकी दूसरी आंख में भी गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से उन्हें ईरान एयरलिफ्ट किया गया था। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जानकारी दी है। ईरानी सेना में दो सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि अमानी की हालत जैसी बताई जा रही है वो उससे ज्यादा गंभीर है, जिसकी वजह से उन्हें आगे के इलाज के लिए तेहरान ट्रांसफर करना पड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा कि इस हमले में अमानी के दो बॉडीगार्ड्स भी घायल हुए हैं और इन दोनों के पास भी पेजर डिवाइस था। इनमें से एक गार्ड का कहना है कि धमाके से पहले उसके पेजर में करीब 10 सेकंड तक एक बीप की आवाज आई थी। इसके बाद पेजर में धमाका हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी बात की है, जिन्होंने अखबार को बताया कि धमाकों के वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि इन डिवाइसेस को इस तरह से मॉडिफाई किया गया था जिससे सर्जिकल धमाका हो। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया है। कन्नानी ने अपने बयान में कहा कि लेबनान में आज की आतंकवादी कार्रवाई यहूदी शासन और उसके किराए के एजेंटों की संयुक्त कार्रवाई की अगली कड़ी है, और ये सभी नैतिक और मानवीय सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के विपरीत है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मुकदमे सुनवाई और सजा के लायक है। कन्नानी ने आगे कहा कि इसराइल की संयुक्त आतंकी कार्रवाई जो हकीकत में बड़े पैमाने पर हत्या की तरह है, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि इजरायली सरकार युद्ध अपराध और फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है। इसराइल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। कन्नानी ने आगे कहा कि इजरायली शासन के आतंकी कृत्यों और उसके कारण पैदा हुए खतरों का सामना करना स्पष्ट रूप से आवश्यक है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये आवश्यक है कि वो इसराइल के आपराधिक अधिकारियों को दंड देने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। आपको बता दें कि ईरान ने लेबनान में हुए धमाकों में हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। ईरान ने ये तक कह दिया है कि वो घायलों के इलाज के लिए उन्हें तुरंत तेहरान शिफ्ट करने के लिए तैयार है।